वेलकम फ्रेंड्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल, एक नई कोशिश आज फिर आपकी ट्रिकी मैथ के साथ। सभी को नमस्कार। आज की क्लास हमारी जो होगी वो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि ये होगी आपके संख्याओं पर आधारित, जो कि लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। चाहे आप टेट सीटेट की परीक्षा दे रहे हो, रेलवे की एनटीपीसी की परीक्षा दे रहे हो, ग्रुप डी की दे रहे हो, आईएसपीसीएस दे रहे हो, कोई भी छोटी बड़ी परीक्षा, सभी परीक्षाओं में अक्सर एवरेज यानी कि औसत से संबंधित सवाल पूछे ही जाते हैं। जी हाँ, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा और इस डिटेल को नोट कर लें। सबसे पहले आप पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, उसके बाद पीवीआर स्टडी को फेसबुक पर अवश्य लाइक करें, क्योंकि फेसबुक पेज आप अगर जुड़े रहेंगे, लाइक किए रहेंगे, तो आप ये लाइव फेसबुक पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर नोट कर लें, मैथ आसान है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमसे जुड़े रह सकें और देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आपके साथ। देखिए मित्रों, पहला सवाल आपके सामने जो आ चुका है, बिल्कुल गौर से देखिएगा, टेंशन मुक्त होकर देखिएगा, यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे कि आपके ए बी सिंह सर कहते हैं, जो कि करंट अफेयर पढ़ाते हैं, कि यहाँ पर टीटीएफसी क्लास होती है, टोटल टेंशन फ्री। जी हाँ, लगातार 18 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार मतलब जानते हैं ना, रेगुलर एक तरफ से 18 तक की सम संख्याओं का औसत। इसका मतलब ये है कि लगातार यानी कि एक से शुरू करिए, दो तीन ऐसे लेकर के कहां तक, 18 तक की सम संख्याओं का औसत निकालना है। अगर आप इसे साधारण तरीका से निकालेंगे तो आपको इसको लगाने में 2 मिनट या 1 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपके परीक्षा हाल में आपको मात्र 30 सेकंड अधिकतम मिलता है, या फिर 20 सेकंड 15 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन के पीछे। जी हाँ, कोई भी एग्जाम हो आपका, मुश्किल से ज्यादा 25 से 30 सेकंड मिलता है, नहीं तो आपको आधा मिनट में मतलब 2 सवाल करने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैसे करेंगे आप इसको 5 सेकंड के अंदर, बहुत ही आसान है। वो ट्रिक क्या है, n प्लस 2/2, n मतलब जो मैक्सिमम नंबर है, कहां तक निकालना है, यानी कि 18 तक निकालना है, तो n का मतलब 18 और 2 प्लस 2, आप जानते हैं 20/2 करेंगे 10 आ जाएगा, है ना, कितना कमाल की ट्रिक। जल्दी से फट से नोट कर लें, आंसर हो गया 10। कोई ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो करें बस आगे बढ़े, हो गया ना। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है, तुरंत फटाफट ट्राई करते रहे, बस बिल्कुल हार नहीं मानना है, कोशिश करते रहिए। देखिए अगला सवाल नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा नंबर ये था लगातार 18 तक ना, अब की बार आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगर इसमें कहा जाए लगातार 18 के बदले आपसे 30 पूछ लिया जाए, लगातार 30 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, इसी ट्रिक पर बेस है, फटाफट करें। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर पहला है 12, 16, 32, 30। हो गए सभी के कमेंट्स? कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं ना, जैसे लगता है वहां सिनेमा हॉल आए हैं, शांति से बैठे हैं, आराम से पैर फैला के, ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ कमेंट कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं। ऐसे मत देखिए, पढ़ने आए बैठे हैं आप लोग, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। हर दिन आपकी क्लास एक निश्चित समय पर होती है, ट्रिकी मैथ हर दिन रात 8 बजे से होती है, याद रखिएगा। किसी दिन नेटवर्क समस्या की वजह से क्वालिटी खराब हो जाए तो बिल्कुल नहीं घबराना, बस थोड़ा सा सब्र बना के आना और क्लास में आपको बहुत कुछ मिलेगा, है ना। तो हर दिन देखिए, जिससे ना पड़े कभी पछताना। ये हो गए एक टाइप के सवाल, दूसरा टाइप का देखिएगा, इस टाइप का आप लोग सभी लगा लेंगे। अब लगातार अगर विषम का पूछा जाए तो ये सम तो हो गया, अब देखिए विषम लगातार 29 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। जल्दी से सभी लोग बताओ फटाफट, ऑप्शन नंबर पहला है 10 होगा, दूसरा 15 होगा, तीसरा 29, चौथा है 12। जल्दी से कमेंट करें क्या होगा 29 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। मैं थोड़ा आपको और अच्छे करके दिखा देता हूं। हाँ बिल्कुल एकदम क्लियर, नो टेंशन, जल्दी बताइए फटाफट, देर नहीं, कोशिश करिए कोशिश करिए। चलें आगे, देखिए इसको कैसे करेंगे, गौर करिएगा। लगातार 29 तक की अगर विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो इसमें आप ये छोटी सी ट्रिक लगाएंगे, ये ट्रिक n प्लस 1/2,
एन का मतलब जान रहे ना, वो संख्या जहां तक करना है 29 तक, और प्लस 1 और 2, मतलब कि 30 बटा 2 आप जान गए होंगे, इसका आंसर आएगा 15। कितना आएगा? 15। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। एकदम मस्त ट्रिक आप पाएंगे जो कि आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम में काम आएगी, चाहे आप टेट, टीचर, डीएलएड कोई भी परीक्षा दे रहे हो। इसलिए बोलते हैं ना, रात 8 बजे से होती है मास्टर क्लास। जी हाँ, मास्टर क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो आप लोग देखना ना भूले, हर रात्रि 8 बजे से मास्टर क्लास। अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन लिख करके, जिससे कि आपको हर एक क्लास मिल सके। नहीं हो सकता है आपकी क्लास बीच में मिस हो जाए तो आपका काफी नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए चौथा सवाल, एक विषम वाले पे और सवाल। लगातार 41 तक की विषम संख्याओं का औसत, जल्दी से बताइए 41 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या आएगा? ऑप्शन है 20, 21, 18, 19। फटाफट कमेंट करिए चौथा का जवाब। पांचवा चलते हैं नया टाइप में। हो गए कमेंट्स, आगे बढ़े। याद रखिएगा, कंफर्म कर लीजिए, अगर सम की पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे n प्लस 2 अपान 2, ये ट्रिक है। अगर विषम की पूछा जाएगा तो n प्लस 1 अपान 2, ये ट्रिक लगाएंगे। अगर पूर्ण संख्याओं का पूछा जाएगा तो आप कौन सा लगाएंगे? अरे वही माइनस कर देंगे जनाब, n माइनस 1 अपान 2। ये तीन ट्रिक है, लगातार सम संख्याओं का औसत, लगातार विषम संख्याओं का औसत, लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत। अब पूर्ण पे आ जाइए, लगातार यन पूर्ण संख्याओं का औसत। देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवा में, लगातार यन, यन मतलब कोई नंबर रख दीजिए, इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को पीछे करके इसको लिख लीजिए, जो भी जानकारी यहां पे दी जाती है। लगातार 18 तक, 18 नहीं, इस पे आप लोग कर लीजिए 19 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, जल्दी से बताइए 19 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। ऑप्शन है 6, 9, 12, 19। पांचवा का भी सही जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा, है ना, बहुत अच्छे, बिल्कुल कोशिश करते रहें, शाबाश, ट्राई करते रहें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अगर बीच में कभी क्वालिटी गड़बड़ हो जाए ना तो बिल्कुल नहीं घबराना, बस सब्र बनाए रखना और सब बेटर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। ये कैमरा का थोड़ा सा कमाल होता है, सेटअप में थोड़ा गड़बड़ कर देता है बस। आगे चलें, अगला सवाल देखिएगा। देखिए ये लगातार 41 वाले में आप लगाएंगे, विषम की बात हो रही तो n प्लस 1 अपान 2 लगेगा, n का मान 41 धन 2, अरे 1 होगा बाबू, 1/2, यानी कि 42/2 बराबर आएगा 21। कितना आएगा? 21, बी वाला सही है। लगातार 19 तक की पूर्ण संख्याओं का, देखिए पूर्ण संख्या के लिए आप ये लगाएंगे n माइनस 1 अपान 2, n का मान 19 माइनस 1/2, 18/2 मतलब 9, ये वाला सही। जल्दी जल्दी छाप लीजिए फटाफट, देर नहीं। देखिए अब शब्द जो है टूट रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, फैन तो मैंने बंद किया था आप लोगों के लिए, लेकिन अब थोड़ा देर चलने दीजिए भाई, वरना मुश्किल है इधर। नोट कर लीजिए फटाफट, अब थोड़ी सी आवाज में दिक्कत हो रही होगी ना, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सहले, क्योंकि इतना देर मैंने सह लिया, भागिएगा नहीं कोई क्लास छोड़ के, अभी फिर हम फैन बंद कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। लगातार 23 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, जल्दी बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, 23 तक की पूर्ण संख्याओं में 19, 17, 11, 12। नंबर छठा का सही जवाब दीजिए और फिर अगला सवाल लीजिए, तुरंत तुरंत लीजिए अगला सवाल, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। 25 और 76 के बीच विषम संख्याओं का औसत, देखिए नया टाइप, 25 और 76 के बीच विषम संख्याओं का औसत, 25 और
तिहत्तर के बीच विषम संख्याओं का औसत होगा पहला ऑप्शन 53, 52, 54, 51, 25 और 76, यानी इनके बीच में कितनी विषम संख्या है, उनका एवरेज क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हम देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो जल्दी करें, बिल्कुल बिना किसी देर किए सभी लोग कमेंट करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जी बाबू, बिल्कुल कोशिश करो जल्दी से। विषम की बात हो रही, विषम की देखिए सिंपल सी बात है, आप यहां पे एक अनुमान लगाइए, अनुमान ये लगाना है, कह रहा है 25 और 76 के बीच है ना, 25 और 76 के बीच, तो जरा गौर करिए 25 और 76 के बीच विषम संख्या कौन होगी, 26 तो विषम होगी नहीं, 25 को हम लेंगे नहीं क्योंकि बीच में बोल रहा है 25 और 76 के बीच में, यानी कि 27 से शुरू होगी विषम संख्या है ना, 76 के बीच मतलब 76 के पहले ही होना चाहिए, बाद में नहीं, तो कौन सी आएगी विषम संख्या, 75 आएगी क्योंकि 76 तो सम हो जाएगी, और 78 नहीं लेंगे क्योंकि 76 के पार हो जा रही है, दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, तो अंतिम संख्या होगी 75। आपको क्या करना है, पहली विषम संख्या में अंतिम विषम संख्या जोड़ देना है और दो से भाग कर देना है, उत्तर ले लेना है फटाफट, ये हो जाएगा 7, 5, 12 हासिल आया 1, 7, 2, 9, 1, 10 भाग देंगे 2 से और पा जाएंगे 51 जी। क्या बहुत शुभ अंक होता है, पहले बारात में ये न्योता दिया जाता था 51 रुपये, अब जमाने के साथ साथ बदल गया भाई, 5051 भी हो गया, 551 भी हो गया है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, नोट कर लिए। अगला चलिए फटाफट पढ़ते रहिए बिना किसी स्टॉप के, नॉन स्टॉप। अगला क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ना बिल्कुल गड़बड़ नहीं हो रहा है, आप लोग मत करिएगा। 75 से 108 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत, 75 से 108 का, देखिए जल्दी नोट करिए। आठवां नंबर से 108 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, देखिए इसमें तक के और बीच में दोनों में अंतर होता है, इधर समझ लीजिए, इसको हो गया ना। देखिए अगर मैं बोलूं कि 75 और 108 के बीच की संख्या की बात करूं तो समझिएगा, यहाँ 107 होगा, 106 होगा ना, तो 107 से और हमें 76 के बीच में बात करना है ना। अगर 75 और 108 के बीच की बात करेंगे तो हम 76 से लेके 107 तक चलेंगे, लेकिन अगर बोलेगा तक की मतलब 75 से 108 तक, तो इसका मतलब हम 108 को भी गिनेंगे, इसका भी यूज करेंगे इसमें, समझ गए ना। तो चलिए फिर चलते हैं, 75 से 108 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, हम 75 से लेके 108 तक की विषम संख्या लेंगे, लेकिन पहली विषम संख्या 75 बनेगी है ना, अंतिम विषम संख्या 108 तो विषम है नहीं, तो उधर तो जा नहीं सकते पीछे क्योंकि नॉन स्टॉप उधर नहीं है, उधर सब खत्म है, आगे ही रहेंगे, तो 107 बस दे दीजिए, 2 से भाग ले लीजिए उत्तर फटाफट, 7, 5, 12 हासिल हुआ 1, 7, 1, 8 182/2 भाग दे देंगे पा जाएंगे 91, जल्दी से नोट कर लीजिए 91 इसका उत्तर हो गया। कोई ऑप्शन वगैरह नहीं दिया गया यहाँ पर, नो ऑप्शन, अब कर लेंगे ना। तो चलिए फिर आ जाइए मैदान में, 2 सवाल आपके सामने,
जल्दी से देखें। देखिए आप सभी को काफी दिक्कत हो रही, मैं समझ सकता हूं, तो जल्दी से आप लोग 9 और 10 लिखिए। हाँ, ये सवाल नंबर है आपका 9, 42 और 112 के बीच की विषम संख्याओं का औसत। इसका औसत बताओ, आप लोग बताएंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं देंगे हम, हल करके बताइएगा। 75 से 108 तक था ना ये, 108 को आप कर लीजिए 128, और जो 75 है ना इसको 15 कर लीजिए। अब ये सवाल नंबर 10 हो गया, जल्दी से बताइए। 10 क्वेश्चन हो चुके आपके सामने, इसका उत्तर क्या आएगा, उसका क्या आएगा? ट्रिक आपने समझ लिया, तरीका आपने समझ लिया, जल्दी करें, फटाफट बताएं, बिल्कुल बिना देर किए। सब कुछ समझ रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर आ रहा बाबू, है ना? देखिए आपकी क्लास 15 मिनट से लेकर के 120 मिनट 180 मिनट की भी होती है, ये लाइव क्लास में, लेकिन बहुत लंबी क्लास होती है, बिना लाइव के ज्यादा लंबी क्लास नहीं हो पाती। जल्दी नोट कर लीजिए, हो गया ना, आगे चलें। कोई कंफ्यूजन है, निसंकोच बोलिएगा बिना किसी टेंशन के। हो गए सभी के कमेंट्स? अगर आप इस तरह की क्लास और भी पाना चाहते हैं, देखिए आज आपने काफी ट्रिक सीख लिया, अगर इसमें एक आध दो ट्रिक और भी आता है तो मैं बता देता हूँ इस टाइप में, लेकिन अब इस टाइप में ट्रिक नहीं आती है जी। बिल्कुल आपने देख लिया। हाँ, एक सवाल और रिपीट कर लीजिए, एक और लिख लीजिए, 11 नंबर, लगातार 39 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, जल्दी से बताइए, पूर्ण संख्याओं का औसत 39 तक क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला है 18, 21, 19, 32। कमेंट करिएगा लगा करके कितना आएगा, फिर हम मिलते हैं आपसे। और हाँ, अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पीबीआर स्टडी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया पीबीआर स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लें, क्योंकि कुछ स्पेशल क्लास आपके फेसबुक पर ही होती है, यूट्यूब पे नहीं होती है, बिल्कुल फ्री होती है। फेसबुक कोई बड़ी गंदी चीज नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको, अपने अकाउंट को सिक्योर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फेसबुक पर इन सभी क्लास को बिल्कुल इसी तरह से पा सकते हैं, फेसबुक का पेज अवश्य लाइक करिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर 9793488448 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं जी। बिल्कुल हम आपके लिए कोई ना कोई नया नया तरीका अपनाते रहते हैं, कॉन्टेक्ट अवश्य करें। कोई कंफ्यूजन है निसंकोच बोलें, ठीक है ना? तो ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी टाइम है, आप बोल सकते हैं। चलते हैं फिर, अपना ख्याल रखना, कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को अवश्य फॉलो करें, जो भी लिंक दी गई है। और हाँ, इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इसमें से कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अभी एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कोई भी प्रोडक्ट आप अमेजन से बुक करते हैं तो उस पे आप जितने में बुक करते हैं उसका 10% डिस्काउंट आपको एडवांस में मिलेगा पीबीआर स्टडी की तरफ से, और इसके साथ साथ आपको क्लास ज्वाइनिंग मुफ्त में मिलेगा। तो अगर आप कोई भी अकाउंट परचेज करते हैं कोई भी अमाउंट, तो कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ आप सबसे पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करें। एक बात ध्यान दें, जितने का आप कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे उतना ही आपको अमेजन को पेमेंट करना होगा, जैसे आप सब कुछ करते हैं वैसे ही आपको करना होगा, सिर्फ आपको हमारे द्वारा दी गई एफिलिएट लिंक यूज करना होगा जो कि अमेजन की ही होगी, एक पार्टनरशिप के रूप में, समझ रहे ना? तो बस इतनी सी बात थी, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो और अच्छा है। इस क्लास में बस इतना ही, मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलूंगा एक नई उम्मीद के साथ एक नई क्लास में। अभी आपकी क्लास होगी 9:30 बजे से डीएलएड की, उसको भी देखिएगा, ठीक है? थर्ड और कौन सी सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर कौन सी होगी आप लोग जानते होंगे, डिस्क्रिप्शन में शेड्यूल दिया गया, देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है।